बीपीटी और थेल स्वरम का एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, आप वीडियो को पूरी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन फिगर EF जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, AC के, तो और BC दिया हुआ है और AB दिया हुआ है और EC दिया हुआ है, फाइंड EF निकालना है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कुछ फिगर हो तो एक काम करेंगे, इस फिगर को ऐसे घुमा लेंगे, घुमा इन द सेंस जो पैरेलल है जिसके EC पैरेलल है AC के, तो एक काम करेंगे इस फिगर को मैंने रोटेट कर दिया। रोटेट करके मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, इसको नाम दे दिया मैंने AC, है ना, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B, ठीक है। अब ध्यान से देखो AB के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, AB के बीच में EF पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे M मार्क कर दो F, और इसी तरीके से BC के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, E, तो यहाँ BC है, इसके बीच में यहाँ लिख दो E, ठीक है, ये लिख रही है। अब इस लाइन को वो कर दो, अब हमें डायरेक्ट दिख गया कि भाई ये तो सर सीधा सीधा थेल्स थ्योरम है, BPT दिख गया ना, BPT सिंपल सा है। इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दिया, मतलब रोटेट करके मैंने इस तरीके से बना दिया, आप भी एग्जाम में ऐसे बना लेना, ज़्यादा आसानी से आपको सोल्व कर लो पाओगे। अब हमें इसमें दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं, देखो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है BC, तो BC कहाँ है मार्क कर लेता हूँ, ये BC दिया हुआ है, टोटल BC कितना दिया हुआ है हमें, BC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, AB कहाँ है मेरे पास, ये रहा, AB कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, एंड EC कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, EC कितना है, ये EC कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड AF निकालना है, मतलब ये निकालना है, ठीक है, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमें पता है BPT पता है, क्या पता है हमें BPT, BF अपॉन FA, मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं, BF अपॉन FA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। कैसे, बाई थेल्स थ्योरम, ब्रैकेट में जरूर लिख देना ये एग्जामिनर को, ताकि पता चल जाए कि आपने कैसे लिखा, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, या मिड पॉइंट थ्योरम या BPT थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें तो BA दिया हुआ है, हमें तो BF और ये तो दिया ही नहीं है, तो हमें तो AF निकालना है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। ये टोटल 13 है, 13 है, तो इसको मैंने अगर X माना, इतने को X, तो इस पूरे को मैं 13 - X लिख सकता हूँ, ध्यान से, इस पूरे को मतलब AF को मैं ये 13 - X लिख सकता हूँ। भाई टोटल 13 है, 13 में से मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये कितनी होगी, 13 में से 5 कर दो 8 होगी, या ये 6 सेंटीमीटर की है तो 13 में से 6 माइनस कर दो 7 सेंटीमीटर की, तो वहाँ पे मैंने वो लिख दिया। उसी तरीके से सिमिलरली इधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर तो दिया हुआ है, नहीं कर भी सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये टोटल 10 है, तो 10 में से 2 ये निकल गया, तो ये कितना होगा, ये 8 ही तो होगा, देखो ये 8 सेंटीमीटर। अब फिगर पे मत चले जाना कि सर ये छोटा है तो 8 सेंटीमीटर कैसे है, ये तो बड़ा है, फिगर है ये, यहाँ तक समझ में आया। तो अब यही करना था हमें इसमें, ठीक है, हमें यही करना था। अब इसमें बी ये लगा दो BPT, तो देखो अब मुझे BF मिल गया, BF को मैंने कितना माना है X, BF को कितना माना है X, और AF कितना हो जाएगा 13 - X, 13 - X इज इक्वल टू BE कितना है, देखो BE कैसे निकला है, BE है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन में EC कितना है 2 सेंटीमीटर। अब ये अगर किसी को ये समझ में ना आया तो इसको ब्रैकेट में लिख लो कि लेट्स किया है, मैंने इसको लेट्स किया है, और इसको ऐसे लिख लो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पूरे इस AF को मैं ये लिख सकता हूँ BA - BF, आया समझ में, तो यही चीज़ लिख दी यहाँ पे, आ गया क्लियर है यहाँ तक, अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा है, तो यहाँ पे कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 2 × X इज इक्वल टू, इधर से कितना आएगा 8 × 13 - X, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 2X हो गया और ये गया, तो 13 + 8 = 24 + 1 = 13 - 8 + 2 = 10 - 8X, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस 8X को उठा के इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा, ये 2X +
एट एक्स इज इक्वल टू 104, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 104, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 10, मतलब x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया मेरे पास 10.4, ठीक है, आ गया समझ में, यही तो पूछा था हमसे, मतलब और x कितना माना है हमने EF को, x कितना है EF, तो मतलब EF की लेंथ आ गई मेरे पास कितनी है 10.4 सेंटीमीटर। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, है ना। देख लो एक बार, अभी भी कोई चीज़ आपको ना समझ में आई तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे ये BF नहीं, हमने BF को X माना है, हमने BF को, तो ये BF है, AF नहीं है, ये मेरा BF है, BF हमसे तो AF पूछा था, तो AF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अब 13 में से 30 माइनस क्या करेंगे, X को माइनस कर देंगे, 13 माइनस X, यही तो मेरा कितना था, देखो यहाँ से इसी को मैंने क्या माना है AF, तो ये AF कितना आ जाएगा, AF इक्वल टू 13 माइनस X, मतलब AF इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 10.4, तो मतलब कितना जाएगा ये 2.6 सेंटीमीटर। आया समझ में, तो अच्छे से समझ लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में एकाएक आता है तो दिमाग काम नहीं करता है और सिंपल सिंपल क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। ट्रायंगल को रोटेट करके मैंने ये फिगर ड्रॉ करना अच्छे से समझा दिया, एग्जाम में ऐसे ही आप भी ड्रॉ कर लेना, तब आपको विजुलाइज आसानी से हो जाएगा। आई बात समझ में, तो अच्छे से मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।